बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने आज से पहले घर में बहुत मरतबा दाल चावल बनाए होंगे, लेकिन जो खुशबू, जो टेस्ट और जो जायका आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होंगी। ये देखने में जितनी खूबसूरत जूसी, यकीन करें खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपने सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, आप इस रेसिपी घर में एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए, हमने तीन तरह की दालें ले ली हैं, जिसमें मूंग, मसूर और चने की दाल। तीनों दालें हमने हाफ हाफ कप ले ली है। इनकी क्वांटिटी आपने सेम रखनी है और इनको प्रेशर कुकर में डाल देना है। प्यालियों को अच्छे से साफ किया करें, एक भी दाना ज़ाया ना हो, इससे आपके रिस्क में बरकत आती है। एक चम्मच इसमें नमक ऐड कर लेंगे और हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर का, और इसमें एक गिलास पानी का डाल के इसको 15 मिनट के लिए अच्छे से प्रेशर लगवा लेंगे। पैन में ऑयल गर्म करके इसमें दो मीडियम साइज प्याज चॉप करके डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। से आप दाल चावल बनाएंगे तो यकीन करें आपके घर वाले आपसे बहुत ही खुश हो जाएंगे और आपकी इस रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। अब हम इसमें हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए सोते कर लेंगे। एक कटी हुई टमाटर ऐड कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। और दो कटी हुई हरी मिर्ची इसमें ऐड कर लेंगे और इसको भी थोड़ी देर के लिए इसमें हम भून लेंगे। एक चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे। हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल के इसको इतना पकाएंगे कि इनका कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। फिर जो हमने दाल, सारी दालों को अच्छे से पकाया था, वो इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। आखिर में इसमें हरा धनिया डाल के इसको थोड़ा सा पका लेंगे। और ये गरम मसाला हमने ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दिया है। और ये रही हमारी फाइनल रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार दाल चावल बनके हमारे पास तैयार हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो तक, तब तक के लिए।